अब क्या होगा अम्मी? क्या होगा? उसकी शादी हो जाएगी और क्या होगा? क्या हो गया अम्मी? मैं उसे पसंद करता हूँ। लेकिन मैं उसे पसंद नहीं करती। वैसे भी उसकी शादी तय हो गई, अब उसका हम जिक्र ही क्यों कर रहे हैं? नहीं मानता मैं ऐसी शादी को। तुम्हारे माने न माने से कोई फर्क तो नहीं पड़ता बेटा, जो सलीम भाई चाहेंगे वही होगा। अम्मी का मूड कैसा है? जी अब ठीक है। तुम्हें मानवर को थोड़ा समझाना पड़ेगा। उसे बताओ कि उसकी लापरवाही अम्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं उसे समझाऊंगी। ये कलर आप पे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या? ये कलर आप पे बहुत सूट कर रहा है। थैंक यू। अच्छा आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। हम हनीमून पर कब जाएंगे? हनीमून? देखो उस वक्त मेरे काम की पोजीशन ऐसी है, इस तरह की चीजों के लिए टाइम नहीं निकाल पाऊंगा मैं। लेकिन हनीमून पर तो। फिर भी अगर तुम्हारा बहुत दिल है जाने का तो नेक्स्ट वीक कहीं आउटिंग प्लान करते हैं। कोई अच्छा सा बीच या फार्म हाउस अरेंज करता हूँ, सबको साथ लेके चलते हैं, बहुत मजा आएगा। मानूर को भी बुला लेना। लेकिन मुझे सबके साथ नहीं आपके साथ जाना है सर। अच्छा चलो ठीक है, कभी वक्त मिला तो प्रोग्राम बनाते हैं। फिलहाल तुम घर के काम काज पे फोकस करो, इस तरह मेरे साथ कहीं अकेले बाहर निकलोगी सारा बर्डन नीनू पर आ जाएगा। मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सबका ख्याल है इन्हें सिवाय मेरे। तुम्हें पता है तुम्हारी इस हरकत से मैं कितना शर्मिंदा हुआ हूं मम्मी के सामने? अगर इसी तरह तुम लापरवाहियां करती रही तो उनके दिल में जगह नहीं बना पाऊंगा। कैसी हैं? आप प्रेम कितनी खुशकिस्मत हैं और मेरी किस्मत बस। बेटा तुम्हें पता है ना अस्पताल में कितना काम होता है, मैं तो बस थक जाती हूँ। अच्छा खैर मेरी बातें छोड़ो, तुम बताओ ससुराल में जाके सेट तो हो गई हो? ससुराल का मसला नहीं है खाला, शोहर का है। क्यों, क्या मसला है मुझे बताओ ना बेटा। वकार ना ही मेरी खुशियों का सोचते हैं और ना ही मुझ पर तवज्जो देते हैं, बस हर वक्त बिजनेस और घर वाले सर पर सवार रहते हैं। नीनू, मिशा, आंटी, इनके अलावा तो कोई नाम ही नहीं है जबान पर। रिफत खाला, मैंने सुना है कि आपके तावीज में बड़ा सर है, मुझे भी कोई तावीज देना जिससे वकार सिर्फ मेरे हो जाएं। तुम मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं ऐसा तावीज बनाऊंगी तुम्हारे लिए कि तुम्हारा शौहर तुम्हारा दीवाना हो जाएगा और तुम्हारे नाम के सिवा किसी का नाम नहीं लेगा। क्या वाकई? हाँ सच में। खाला अगर आपने कर दिया ना मैं वाकई आपको मान जाऊंगी।
लेकिन मुझे तावीज जल्दी चाहिए। अच्छा चलो ये ले। लेकिन बेटा इससे क्या होगा, मैं असली जाफरान से तावीज बनाऊंगी ताकि जल्दी असर करे। आप ये भी रख लें। हाँ ठीक है, करती हूँ मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ। अभी जाके ना जाफरान खरीद लाती हूँ, फिर रात से ही शुरू कर दूंगी। क्या बना रही हो? हाँ मैं किसके लिए बना रही हो? आंटी के लिए बना रही हूँ, और किसके लिए बनाऊंगी? ओहो मतलब अभी से इम्प्रेस करने का इरादा है? कोशिश तो कर रही हूँ, काश मैं आंटी का दिल भी जीत सकूँ। हो जाएगा, क्यों परेशान हो रही हो? बल्कि तुम्हें काम क्यों नहीं करती, आज तुम मेरे साथ चलो। मैं? हाँ तुम, अब इतने प्यार से केक बना रही हो तो अपने हाथ से ही पेश करना, वो भी खुश हो जाएंगी। हाँ और इस बहाने तुम भी अबरार से मिल लोगी। हाँ मैं फोन करती हूँ। अरे नहीं पागल हो, उसको सरप्राइज देना, उसको अभी मत बताना। चलो मैं ये बना लूँ फिर मैं तैयार हो जाती हूँ। वैसे तुम्हें तैयार होने की क्या जरूरत है, तुम तो वैसे ही इतनी प्यारी दिख रही हो। चलो तुम जल्दी से आ जाओ। अस्सलामुअलैकुम भाई, कुछ चाहिए आपको? वालेकुम सलाम। आफरीन कहाँ है? भाभी अपनी अम्मी अब्बू के घर गई। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी तो आफरीन से काफी अच्छी दोस्ती हो गई ना, तो फिर उसे समझाओ, बार बार उसका घर जाना शायद अम्मी को बुरा लगे। इतना बड़ा घर है, इतने सारे काम होते हैं, सारा का सारा बर्डन तुम्हारे सर पे आ जाता है। अरे भाई जान कोई बर्डन नहीं है, इतने सालों से मैं ही करती आई हूँ। यही मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, उसे चाहिए कि तुम्हारा काम बांटे। ये बात मैं उससे खुद भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरा कहना शायद उसे बुरा लगे। तुम्हारी दोस्ती अच्छी हो गई है, तुम उसे अपने तरीके से समझा देना। आफरीन मैं ठीक तो लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही है। अरे तुम कहाँ जा रही हो? अब्बू मैं इसको अपने साथ लेकर जा रही हूँ। क्यों? हाँ वो आंटी को मनाने के लिए जा रही है, अब निकाह के जोड़े वाली बात को लेकर वो थोड़ी खफा है। भाई देख लो, ऐसा ना हो महनूर का आना ही उन्हें अच्छा नहीं लगे और बात ठीक होने के बजाय और बिगड़ जाए। नहीं नहीं अब्बू आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। और तुम जाने की खुशी में केक यहीं भूल कर जा रही हो, इतनी मेहनत से बनाया था। रुको मैं लेकर आती हूँ। आप दुआ करें उनका मूड अच्छा हो। क्यों परेशान हो रही है? इंशाल्लाह बेटा ये तुम्हें तुम्हारे साथ है, सब सही हो जाएगा। मुझे ये बताया मैं कैसे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल तो जी, बस मैं निकाल लूँ जी। अरे ये क्या किया तुमने? क्या किया तुमने? I'm so sorry. हक के लेकर जाओगी? इतनी मेहनत से बनाया था मैंने, सारा खराब कर दिया अमीश ने। सॉरी मैंने असल में देखा नहीं, मैं फोन पे बात कर रही थी, मेरे हाथ से स्लिप हो गया। तुम अच्छा तुम परेशान नहीं हो? हम अभी घर के रास्ते में एक बहुत अच्छी बेकरी पड़ती है, वहाँ से हम ले लेंगे नया केक। वो बात नहीं है आफरीन, मैंने अपने हाथों से बनाया था, मैं अपने हाथ का बना हुआ केक खिलाना चाहती थी, तुमने सब खराब कर दिया है। मानो तुमने मुझे बोल दिया, तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो, अभी हम रास्ते से अच्छा सा केक ले लेंगे बेकरी से। हाँ बेटा ये ठीक कह रही है, देखो तुम इतने प्यार से मनाने जा रही हो तो उनका दिल गर्म पड़ ही जाएगा इंशाल्लाह। चलो खुशी खुशी जाओ, शाबाश। चलो जल्दी से स्माइल करो ना। अच्छा चलो अभी ले लेंगे केक। ठीक है अम्मी।
आ जाओ। ओके अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। देखो अच्छा सा केक ले लेना। जी। बच्ची परेशान हो गई, इतने प्यार से उसने केक बनाया, देखे ना सारी उसकी डेकोरेशन ही खराब हो। ये हो गया। आज तुम्हें देखने का बहुत दिल चाह रहा था। और देखो अल्लाह ताला ने फौरन मेरी दिली ख्वाहिश सुन ली। आपकी दिली ख्वाहिश पूरी करनी है, आधा हिस्सा मेरा भी है। मैं लाई हूँ मानो को। ऑफ कोर्स एंड थैंक यू सो मच मैडम। यू आर वेलकम। चले मानो। हाँ चले। तुम किधर जा रहे हो? तुम तो बाहर जा रहे थे ना। हाँ वो तो मैं तब जा रहा था ना कि जब मानो यहाँ नहीं थी। अब मानो यहाँ है तो मैं कहाँ जा सकता हूँ? ऐसा क्या है मानो में जो अब्रार इतना लट्टू हो जाता है? चलें। हाँ। After you. सलाम अलैकुम आंटी। वालेकुम सलाम। मैं आपके लिए केक लाई थी। अब और आंटी खास तौर पे आपके लिए बनाया है इसने। बहुत बना है। जी मैं सर्व करती हूँ। अब आंटी अब तो आप मुझसे नाराज नहीं है ना? नहीं भाई, अब क्यों नाराज होंगे मेरी प्यारी सी अम्मी, तुम स्पेशली इनके लिए केक बना कर लाई हो अपने हाथों से। मैं खिलाऊंगा अपनी प्यारी सी अम्मी को अपने हाथों से। थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा। घर का बना हुआ तो केक नहीं लगता, इसका मजा तो बिल्कुल जो हमारी बेकरी है ना हमारे पड़ोस में उसका सा है। उसका जो चॉकलेट केक होता है उसका ही मजा होता है, खा के देख लो। बहुत बुरी बात है बेटा, मैं झूठ बोलने की आदत अब तक नहीं गई हूँ। मानो क्या जरूरत थी झूठ बोलने? बता देती अम्मी को कि बेकरी से लेकर आई हो। अब्रार मैंने आंटी के लिए केक बेक किया था लेकिन आते हुए अफरीन के हाथों से गिर गया और आंटी के सामने मेरे नंबर बढ़ाने के लिए उसने झूठ बोल दिया। झूठ भाभी ने कहा, ये बात अम्मी को भी बतानी थी ना। हाँ ताकि आंटी का दिल आफरीन के लिए भी बुरा हो जाता। अच्छा अब रोना तो बंद करो। भाभी अभी शादी के शुरू शुरू के दिन है ना, तो आप भाई को समझ जाएं, भाई आपको समझ जाएं, इसलिए आप ज्यादा अपने घर में जाया करें। आप भाईजान के साथ ज्यादा वक्त गुजारेंगी तो उनकी पसंद नापसंद का आपको ज्यादा अंदाजा हो जाएगा ना। वकार ने तुमसे कुछ कहा है क्या? नहीं तो सच सच बताओ, कोई बात हुई है क्या? वो
भाभी भाई ना ऐसे ही हैं, उनको ना आपका ज्यादा अपने घर जाना पसंद नहीं है, वो चाहते हैं आप घर पे ही रहें। ठीक है। अच्छा चाय अच्छी लगी आपको? कुछ और ले आऊं आपके लिए? नेहा क्या कर रही हो? खाना पक रहा है बस, आप किचन में क्यों आ गई? मेरे हाथ में बड़ा जायका है, एक दफा खाओगी ना तो देखना दिनों तक याद रहेगा तुम्हें। ओहो अपने मुंह मियां मिठू, हम तो खा के ही बताएंगे। हाँ तो लगी शर्त? देखना एक दफा सब खाएंगे ना तो तारीफें करते नहीं थकेंगे। अरे आसिन भाभी आप छोड़ दीजिए, मैं कर लूंगी, अभी तो आपने खीर में हाथ भी नहीं लगाया, मैं कर लूंगी। थोड़ी थोड़ी करने दो ना। ये क्या हो रहा है नीनू, तुम आफरीन से क्यों खाना पकवा रही हो? खाला मैं कहाँ पकवा रही हूँ, आफरीन भाभी को खुद ही शौक हो रहा था। नीनू ये क्या तरीका है बात करने का? मैं तो बस मजाक कर रही थी। हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं लगता नीनू, वही जिठानी है वो, जरा तो कुछ उसके मर्तबे का ख्याल करो। आंटी ये तो मेरी दोस्त है। दोस्ती का ये मतलब नहीं कि लिहाज मुरव्वत को बिल्कुल बालाए ताक रख दिया जाए। और रही तुम्हारे शौक की बात, तो अभी तो तुमने खीर भी नहीं बनाई पहली दफा, बस वो रस्म हो जाए तो फिर तुम जरूर खाना पका लेना शौक से। आंटी एक महीना हो गया है मुझे इस घर में, कब बनाऊंगी मैं खीर? बेटा पिछले वक्तों में तो तीन तीन चार चार महीने तक दुल्हनों के लाड उठाए जाते थे, उन्हें कोई काम नहीं करने दिया जाता था। चाहती तो मैं भी यही थी, लेकिन खैर तुम्हें शौक हो रहा है तो सही है, हम लोग अगले हफ्ते बुला लेते तुम्हारे घर वालों को, तुम खीर पका लेना। रिफत खाला की तावीज असर दिखाने लगे हैं।
अरे तुम इतनी सी बात पर रोने लगी? खाला अम्मी ने कभी भी पहले मुझसे ऐसे बात नहीं की, तो बस हर्ट हो गई। हाँ वैसे आंटी को तुमसे इतना रूडली बात नहीं करनी चाहिए थी, और मुझसे पहले इतने अरसे से तुम ही तो इस घर को संभाल रही हो। अगर उन्हें मेरा काम करना अच्छा नहीं लग रहा था तो वो तुम्हें अकेले में बुलाकर बोल देती, मेरे सामने डांटने की क्या जरूरत थी? अच्छा तुम परेशान नहीं हो, मैं अभी जाके उनसे बात करूं। नहीं नहीं, उनका दिल बहुत दुखेगा, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं, ऐसी बात नहीं। नीनू, नीनू मैं तुम्हें पूरे घर में, तुम रो रही हो, क्या हुआ है मुझे बताओ। वो आंटी ने से डांटा है। क्यों? कुछ भी नहीं हुआ, कह रही हूं ना मैं, और अगर इतनी फिक्र है मेरी तो मेरा मूड सही करने के लिए कुछ करो। बस इतनी सी बात है। अच्छा चलो जल्दी से बताओ मैं क्या करूं ऐसा अपनी प्यारी सी भाभी के लिए जो उनका मूड ठीक हो जाए। हम बाहर चलते हैं कहीं, कुछ खा लेंगे। ठीक है चलो आ जाओ। अच्छा भाभी अम्मी को बता दीजिएगा कि माँ बदौलत अपनी प्यारी सी भाभी को बाहर लेके जा रहे हैं। ठीक है चलो आ जाओ। अच्छा सुनो जाते हुए ना भानु को भी ले चलिए। ठीक है ये लीजिए आपकी चाय। अरे बेटा यहाँ क्यों ले आई चाय, मैं तो सोची थी लॉन में चल के पीते सब लोग। नीनू और अपराध को भी बुला लो। वो दोनों तो बाहर गए। सॉरी असल में उन्होंने मुझे कहा था आपको बता दूं, लेकिन मैं घर के कामों में बिल्कुल भूल गई। किसी भी क्या इमरजेंसी थी उन्हें जाने की, यहाँ के मुझे बता के नहीं जा सकते थे? तुम्हें कासिद बना के भेज दिया। आंटी वो नेहा का मूड थोड़ा ऑफ था, आपने उसे डांटा था तो बहुत रो रही थी। रोने की इसमें क्या बात है, मैं घर की बड़ी हूँ, अगर कुछ कहती है तो बर्दाश्त नहीं कर सकती? नहीं नहीं, नेहा ने तो किसी से कुछ नहीं कहा था, वो अबरार ही उसके पीछे पड़ गया था तो इसीलिए बात खुल गई। आंटी आपसे एक रिक्वेस्ट करूँ, आप नेहा को मेरी वजह से कुछ ना कहा करें, मुझे घर का काम करना खुद अच्छा लगता है। अच्छा मीशा नहीं आई अभी तक, आज लेट आएगी? नहीं नहीं, उसे लेट आने की बिल्कुल इजाजत नहीं है, भाइयों के आने से पहले पहुंच जाएगी। चलो चलो मैं आपकी चाय उठा लेती हूँ। थैंक यू बेटा। आजकल महंगाई भी तो बहुत बढ़ गई है। जी अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मेरा ख्याल है अब हमें चलना चाहिए। देखो अबरार मियां, मुझे तुम्हारा इस तरह बगैर खाना खाए जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अंकल कोई मेहमानों वाली बात थोड़ी है। कम से कम चाय पी लेते बेटा। आंटी फिर कभी सही, अभी थोड़ी देर हो जाएगी। अच्छा चलें नेहा को बुला लें। अरे आंटी आप क्यों सहमत कर रही है, मैं बुला के ले आता हूँ। परेशान मत हो, शीतला की रस्म में हम दोनों मिलके मना लेंगे। और वैसे ना कि अंदर की खबर दे रही हूँ मैं तुम्हें, ऑफिशियल इनविटेशन तो खाला अम्मी देंगी। चले चलते, अगर तुम्हें ऐसे ही देखना है तो मैं बैठ जाती हूँ। नहीं नहीं प्लीज आप जाएं। बदतमीज, न शर्म न लिहाज, भाभी हो तुम्हारी। तुम मेरी भाभी नहीं हो, ठीक है तुम मेरी दोस्त हो, वो भी सबसे अच्छी वाली बेस्ट फ्रेंड। वैसे ज्यादा बटरिंग करने की जरूरत नहीं है, 2 मिनट है तुम्हारे पास जब तक मैं आंटी को अलाफिस कह के आती। अच्छा
खूबसूरत है। होगा, लेकिन पता है तुम्हारे हाथों में आने के बाद और भी ज्यादा खूबसूरत हो गया। अच्छा सुनो, कोई अच्छा सा बहाना ढूंढ लो, क्योंकि मैंने तुम्हें शॉपिंग पे लेके जाना है। मैं चाहता हूं कि जब तुम अपने घर आओ तुम मेरी पसंद का जोड़ा पहनो। छोड़ो, जाओ अम्मी को घर जाओ ना। सफिया बहन, आजकल के बच्चे बहुत गहरे हैं। हालांकि इब्रार और नेहा कल आए भी थे, लेकिन मचाल है, दावत का जिक्र भी किया उन्होंने। अच्छा, मैंने खुद ही उन्हें मना किया था दरअसल। खुदा हाफिज। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। मीनू जी, खाला मी, तुम लोग झूठ भी बोलने लगे मुझसे? कैसा झूठ? आइसक्रीम का बहाना बनाकर तुम और अब्रार महानूर के घर नहीं गए थे कल? वो दरअसल खाला मी, हम आइसक्रीम खाने ही गए थे, अचानक से महानूर के घर का प्लान बन गया। जरा सा टोक क्या दिया मैंने, तुमने अब्रार को बताया और फिर यकीनन इकरार को भी बताया होगा। ठीक है, अगर मेरी बातें तुम्हें इतनी बुरी लगती हैं तो मैं कभी तुमसे कुछ नहीं कहूंगी। खैरियत, तुम इस वक्त कमरे में कैसे हो? हाँ बस ऐसे ही आ गई थी। रोने की वजह? खाला नाराज हो गई है मुझसे। अम्मी और तुमसे नाराज? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और अगर हुआ भी है तो मान जाएंगी, लेकिन नाराज हुई क्यों? कल मैं और इब्रार महानूर के घर चले गए थे। तुम उनसे पूछे और बताए बगैर जाओगी तो उनका नाराज होना तो बनता है। अब्रार को तो उस लड़की के आगे कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन तुम तो समझदार हो, अम्मी को अगर फोन करके पूछ लेती तो क्या हो जाता? हो गई ना गलती, अब क्या करूं मैं? मनाओ जाकर अम्मी को, और क्या करना है? इसके अलावा कोई और ऑप्शन है? और सुनो, अब्रार को साथ लेकर जाना। या अल्लाह, हमारी अम्मी के दिल को नर्म कर दे। आमीन। ऐ मेरे मालिक, वो हमसे रूठी हुई हैं, उन्हें हमसे राजी कर दे। आमीन। ऐ मेरे प्यारे रब, हमारी एक ही तो माँ है, वो भी हमसे रूठी हुई है मालिक, उन्हें हमें किसी भी तरह राजी कर दे हमसे। आमीन। एक से एक बढ़ के ड्रामा बास। खाला अम्मी, अब तो नाराज नहीं है ना आप? मैं बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आइंदा से कोई इस किस्म की हरकत नहीं करेगा, समझ गए ना दोनों? कोई इस घर से बाहर कदम नहीं निकालेगा जब तक मुझसे इजाजत ना ले। ठीक है, प्यारी सी अम्मी को बिना बताए हम कहीं नहीं जाएंगे, पक्का प्रॉमिस। पप्पी मिल सकती है। आपके लिए चाय लाऊं? नहीं,
कुछ और चाहिए इस वक्त? नहीं। सुनो, क्या बात है? वो मैं कल अम्मी के घर चली जाऊं, शायद आपको मेरा अम्मी के यहाँ जाना अच्छा नहीं लगता। नहीं, मुझे तुम्हारे जाने पे इतराज नहीं है, लेकिन हर दूसरे दिन अपने घर चले आना, कम से कम इसको तो अवॉइड करो। ठीक है, अगर आपको नहीं पसंद तो मैं नहीं। क्या हुआ? नहीं जाऊंगी मैं, कुछ नहीं, वो चक्कर आ रहे। चक्कर आ रहे? तुम रेस्ट करो। ठीक है, गुड। खाला अम्मी फोन उठा रही है ना भाई जान, पता नहीं कहाँ रह गए। अम्मी उठा रहा कोई, ये सब परेशानी संभल के बेटा। क्या बात है, तुम तो इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? अरे भाई, खुशखबरी है, तुम चाची और तुम चाचा बनने वाले हो। आओ बेटे, बैठो। आज से बकार तुम और इन मेरी बहू का खास ख्याल रखोगे, और तुम भी अपना ख्याल रखना बेटा। भाईजान बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। दो साल हो गए, कितनी दुआएं मांगते, मन्नतें मांगते, हर औलाद की खुशी महसूस करने से महरूम रहे। मिल जाएगी ये खुशी भी, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होता। मैं मायूस नहीं हूं और ना ही होंगी इंशाल्लाह, लेकिन आप रीम की खुशी देख के ना मुझे अपनी सुनी गोद का एहसास और शिद्दत से हो गया। ऐसा नहीं है कि मैं खुश नहीं हूं, मैं बहुत खुश हूं, लेकिन दिल में दुख भी है, मैं रोई भी है। मैं जानता हूं, और तुम्हारा ये सब फील करना बिल्कुल नॉर्मल है, समझता हूं तुम्हें और तुम्हारी फीलिंग्स को भी, बाकी घर वाले भी अंडरस्टैंड करें, लेकिन तुम खुद सोचो तुम्हारा वहां से ऐसे उठ के आ जाना आदमी को कितना बुरा लगा होगा। क्या करती मैं, आपको पता है ना, फीलिंग्स छुपाने नहीं आती मुझे, वहां पे सब लोग थे, सबके सामने रो पड़ती। तो क्या सोच रहे हैं? नेहा के बारे में सोच रहा था, वैसे तो वो ट्रीटमेंट करवा चुकी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम उसका ख्याल रखो, उसकी दिलजोई करो। आंटी से बात हुई तुम्हारी? नहीं, मैंने सोचा कि फेस टू फेस जाकर ही बताऊं। वैसे अब तो आपको मेरे घर जाने पे कोई एतराज नहीं होगा ना? अब एतराज किस बात का? अब तो अम्मी ने भी हुक्म दे दिया है कि मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूं, तो जाहिर अब तो मुझे तुम्हारा ख्याल रखना पड़ेगा। अम्मी ने हुक्म दे दिया मतलब? अगर वो नहीं कहती तो आपका दिल नहीं चाहता मेरा ख्याल रखने का? देखो, तुम मेरी बीवी हो, इस हवाले से तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फर्ज है। सिर्फ फर्ज है आपका?
तो आप ये फर्ज सिर्फ जिम्मेदारी समझ के निभा रहे हैं या प्यार में निभा रहे हैं?